ग्रेटर नोएडा के शहबेरी क्षेत्र में दो अवैध बिल्डिंग गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मलबे में दबे बाकी लोगों को ढूंढा जा रहा है। तो वहीं इस मामले पर पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। सर, किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है? किसी को कस्टडी में भी लिया गया है? बिल्डर के किसी साथी को सर पता चला कि जब बिल्डिंग गिरी उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, एनडीआरएफ को भी बुलाया गया, 3 लोग जो निकाले गए थे, क्या उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो यहीं पर रहने वाले थे या सभी? मैंने बताया ना कि 3 लोगों की पहचान नहीं कर सकते, वो यहाँ पे चौकीदारी। बताते चले आपको, इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं मारे गए लोगों के बारे में ये जानकारी सामने आई है। लोगों को लाया गया है, कहाँ से लाए गए हैं, कितने लोग आए हैं और किस स्थिति में लाए गए? ये सावेरी गांव में बिल्डिंग गिरने की वजह से 3 मृत लोगों को यहाँ पर लाया गया। क्या उनकी कोई पहचान हुई है, कौन लोग हैं? नहीं, सब अननोन है तीनों। किसके द्वारा लाए गए? ये हमारी एम्बुलेंस लाई है। अच्छा। बताते चले आपको, बीती मंगलवार यानी कि 17 जुलाई की रात को एक एक करके 2 इमारतें गिर पड़ी थी, जिसमें 3 लोगों की जानें चली गईं, जबकि 14 से 15 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए बताए जा रहे हैं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।